हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए साहब, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चुंबकत्व एवं द्रव बारे लेसन से। फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। इससे यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके, है ना। मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की रेगुलर वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं, इसीलिए आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। हौसला मत हार गिरकर, कहते हैं साहब, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। इन इंटरेस्टिंग लाइन के साथ हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। 2010 और 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए साहब, इसको मैं अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो में पहली बार आए हो तो इसको पूरा बात करके जरूर जाइए, है ना। देखिए साहब, प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित, ये धनावेशित हो गया, नाभिक होता है। ये आप देख रहे हो, ये प्लस का नाभिक होता है ना, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये कक्षाएं, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, जैसे हम चक्रण कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमते हैं तो उसे चक्रण के नाम से जाना जाता है। इसी तरह आपसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता है, करता हुआ एक धारावाही लूप या चुंबकीय ध्रुव की भांति कार्य कर व्यवहार करता है। ठीक है साहब, इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे परमाणु के में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग, कहना चाहिए 90% भाग होता है, वो चक्रण के कारण होता है, और कक्षीय परिक्रमण के कारण बहुत कम, लगभग 10% उसका भाग चला जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को चुंबकत्व का परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट अब अगला हमारा एक नियम है जिसका नाम है क्यूरी का नियम। क्यूरी एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने अपने नाम पर इसका नियम दे दिया था। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ऐसा बताया था, इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की तीव्रता आई, देखिए पदार्थ की तीव्रता होती है आई, है ना, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब, जो हमारा आई है ना, वो समानुपाती बनापॉन, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती बनापॉन टी और समानुपाती एच, इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला निकल क्या जाएगा, आई समानुपाती एच अपॉन टी। देखिए, इसको हम समानुपाती का सिंबल हटाओगे तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट जुड़ जाएगा, जहाँ पर जो सी है बच्चों, वो क्या है, कॉन्स्टेंट होता है सी। जो सी को हम बोलते हैं क्यूरी ताप, है ना, जहाँ जो सी है ना क्यूरी ताप है, बिल्कुल क्यूरी ताप नहीं, क्यूरी नियतांक है, इसका मात्रक केल्विन होता है। ठीक है साहब, देखिए आगे बढ़ते हैं, क्यूरी ताप क्या होता है, यहाँ पर समझ लीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए वह ताप जिससे नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय के रूप में तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में व्यवहार करता है, लोहे के लिए क्यूरी ताप मतलब TC बराबर 770 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको याद कर लीजिए, 770 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्या है, चैतल्य चुंबकीय वक्र। ये वक्र मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। अब देखिए साहब, यहाँ पर क्या दे रखा है जी, यहाँ पर दे रखा है
चुंबक शैतल्य वक्र। शैतल्य वक्र क्या होता है, चित्र में देख लीजिए, इस प्रकार से बना हुआ है, ये हमारा शैतल्य वक्र कहलाता है। देखिए भाई, जो शैतल्य वक्र होता है ना जी साहब, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकन की तीव्रता या अनुचुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र ऐसे से पीछे रहता है, इस घटना को शैतल्यता कहते हैं। और इस प्रकार से देख सकते हो कि चुंबकीय पदार्थ के लिए आई या एच या वी एच का शैतल्य वक्र होता है। इस वक्र को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम चक्रीय वक्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, इस प्रकार से ये इसका हो जाएगा चित्र, ठीक है साहब। शैतल्य वक्र के आधार पर चुंबक को दो भागों में बांटा गया है, पहला है वैद्युत चुंबक। तो यहाँ पर जो वैद्युत चुंबक है वो ही आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस से स्थायी चुंबक हटा दिया गया है ना, आपके सिलेबस से स्थायी चुंबक को हटा दिया गया है, उससे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो समझ लीजिए अच्छे से, आपको वैद्युत चुंबक पढ़ना है, ठीक है। स्थायी वैद्युत चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं, इनका चुंबकन विचुंबक सरलतापूर्वक किया जा सकता है, ठीक है साहब। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अगला यहाँ पर है दिग्पात कोण और नमन कोण की डेफिनेशंस को आपको देना है ना। देखिए साहब, दिग्पात कोण क्या होता है अच्छे से समझ लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास के। देखिए, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है ना, किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने कोण को दिग्पात कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये माय डियर स्टूडेंट, किसी भी चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसको दिग्पात कोण कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लगा लीजिए है ना। देखिए साहब, इसे फाइव से डिनोट करते हैं, और इसका लंदन में दिग्पात कोण कितना होता है, 10 डिग्री W है ना, ये लंदन में इसका दिग्पात कोण इतना होता है। अब देखिए साहब, इस प्रकार से चित्र आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो देख रहे हो जो फाई है इसको बोलते हैं दिग्पात कोण। अब देखिए भाई, अब आप सीखोगे नमन कोण क्या होता है। तो नमन कोण के लिए किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर में स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबक के अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को उस स्थान पर नमन कोण कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। और दिल्ली में जो नमन कोण होता है, इसको याद कर लीजिए, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, दिल्ली में जो नमन कोण होता है वो 42 डिग्री होता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है साहब। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयवों का उल्लेख कीजिए। देखिए साहब, भूचुंबकत्व के जो अवयव होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, नंबर एक है दिग्पात कोण, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, अभी बताया है, और नंबर दो यहाँ पर नमन कोण, ये भी मैंने अभी हाल आपको बताया है ना। ये चित्र आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि चित्र में ही फिजिक्स में नंबर मिलते हैं, और आपका बेस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। नमन कोण ऑलरेडी मैंने बता दिया, अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब हम वहाँ पर नंबर थ्री को यहाँ प्रूव करने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक आप लोग कैसे निकालोगे, या हम यह प्रूव करने वाले हैं। देखिए साहब, माना एक स्थान पर चुंबक को लटका देते हैं तो वह क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है, तो इस प्रकार से जो हमारा चुंबक क्षेत्र निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा वी एच बराबर वी कॉस थीटा, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेना। अब जैसे ही आप समीकरण नंबर 1 मानोगे तो उर्वाधर घटक निकल के क्या आ जाएगा, वी वी इज इक्वल्स टू वी ई साइन थीटा। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो का वर्ग करके जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी ई स्क्वायर कॉज स्क्वायर प्लस वी ई कॉज स्क्वायर थीटा। देखिए साहब, ये क्या हो जाएगा, हमने वी स्क्वायर कॉमन कर लिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा वन हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने वन कर दिया है, इसको डायरेक्टली इन्होंने सॉल्व कर दिया है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और बराबर वी स्क्वायर ई है ना। समीकरण दो को एक से भाग दे देंगे तो वी बटे एच बराबर हो जाएगा टेन थीटा। तो वी समीकरण एक समीकरण दो क्या है यहाँ पर देख लीजिए, देखिए समीकरण एक हमारे पास ए रही और समीकरण ए रही, हमें टेन बदलना है तो समीकरण दो को भाग करोगे समीकरण एक से तो हमारे पास टेन निकल के आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बी बटे एच है ना। तो देखिए साहब, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स बी
बी बी अपॉन बी एच, इस बेस पर न्यूमेरिकल आता है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस फार्मूले को याद कर लीजिए, अगले पार्ट में हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कैसे व्यवहार करता है, एक्सप्लेन कीजिए इस बात के लिए। जब धारावाही लूप को एक समान चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक परिणामी बल युग्म कार्य करता है, यही व्यवहार एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है चुंबकीय यामोत्र क्या होता है, वो आप यहाँ समझने वाले हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व से चुंबक क्षेत्र हुए लटके हुए, कहने का मतलब किसी स्थान पर अपने गुरुत्व से स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, चुंबक का छोटा है ना उससे गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, सारे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चुंबकीय अक्षों पर पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के क्षैतिज घटक एच का मान कितना होगा। देखिए साहब, अगर हम बात करें एच के मान की तो वो चुंबकीय जो एच का मान होता है वो 0 डिग्री होता है, यहाँ पर आप अच्छे से याद कर लीजिए, 0 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, अगला दे रखा है पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय ध्रुवों का मान कितना होता है। नमन कोण का मान कितना होता है, तो नमन कोण की बात करें तो उसका मान होता है 90 डिग्री, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 90 डिग्री होता है। चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है, कहने का मतलब जो चुंबकीय सुई है इस प्रकार से हो जाती है, बिल्कुल 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमन कोण बोलते हैं। और नमन कोण होता है बच्चों किस पर होता है, चुंबकीय ध्रुवों पर, है ना, इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, नति कोण का अधिकतम मान क्या है, ये किन किन स्थानों पर होता है। नति कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री सेल्सियस होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के ध्रुवों पर होता है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर दे रखा है किसी स्थान पर नति कोण और पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक में क्या संबंध होता है, इसको प्रूफ करके लिखिए। देखिए साहब, इसको हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए क्षैतिज घटक हमारा वी बराबर वी एच साइन थीटा है, टैन थीटा है। अब इस प्रकार से आप बोल सकते हो, जहाँ एच है ना वो पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का क्षैतिज घटक है और वी क्या है पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, और थीटा हमारे यहाँ पर नति कोण कहलाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, देखिए साहब थीटा टैन थीटा बराबर वी बटे एच हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, टैन इनवर्स वी बटे एच। इससे भी न्यूमेरिकल आता है, फार्मूला वही है बस उसके टाइप को चेंज कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, वही फार्मूला है बिल्कुल साहब, एक सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का, थोड़ा सा न्यूमेरिकल लग रहा है बट ये न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के बराबर हैं तो उस पर नमन कोण का मान परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यदि नमन कोण थीटा हो तो टैन थीटा बराबर वी बचे एच हो जाएगा और वी बराबर हमारे एच निकल के आ जाएगा। देखिए साहब, वी बराबर हमारे पास क्या है बच्चों, एच, एच कट जाएगा, तो इस प्रकार से आपके पास वैल्यू निकल के जाएगी 1। और देखिए साहब, 1 किसकी वैल्यू होता है टैन में, 45 का वैल्यू 1 होता है, 45 को आप पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला यहाँ पर क्या दे रखा है कि वैद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है। तो वैद्युत चुंबक बच्चों स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है, इसको समझाने वाले हैं। स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं, इनका उपयोग बार बार चुंबकन विचुंबकन में नहीं किया जा सकता, जबकि वैद्युत चुंबक जो होते हैं वो लोहे के बनाए जाते हैं, इनका चुंबकन विचुंबकन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्या दे रखा है डीकी साहब, कच्चे लोहे एवं स्टील के गुणों में मुख्य अंतर क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए, लिखिए। डीकी साहब, स्टील का चुंबकन तथा विचुंबकन क्या बोलेंगे इसको, विचुंबकन दोनों कठिनता से होते हैं तथा कच्चे लोहे का चुंबकन तथा विचुंबकन दोनों बहुत ही सरल हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। अब आगे जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ वो अपने हैंड रिटन के नोट्स लेकर आया हूँ, है ना।
तो हैंड रिटन नोट में उसकी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज आपके समझ में आ जाएगी, है ना। बुक में अलग लैंग्वेज दे रखी थी वो आपको समझ में भी नहीं आती, है ना। तो मैंने इसीलिए वहाँ से अपने हैंड रिटन नोट को यहाँ पर इंक्लूड किया है। आशा करेंगे ये आपको पसंद आएगा। अब पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल में पहली बार आया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हम हैंड रिटन नोट लेकर आ गए हैं। यहाँ पर दे रखा है चुंबकत्व संबंधी परिभाषाएँ। तो चुंबकत्व संबंधी यहाँ परिभाषा, यहाँ पर पहला यहाँ पर परिभाषा है चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को वाय चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है ना साहब, तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इस गुण को चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। यह परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा। अगला है चुंबकन की तीव्रता क्या होती है। देखिए साहब, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय आघूर्ण को एम से डिनोट करते हैं, उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। देखिए आई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम बटे वी, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है साहब, इस फार्मूले को अच्छे से यहाँ नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ पर एम बराबर क्या होता है, एम इंटू ट्वेल्व होता है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ट्वेल्व, है ना। अब देखिए, अब जी इस प्रकार से यहाँ देख सकते हो, तो आई बराबर हो जाएगा एम इंटू ट्वेल्व बटे में ए इंटू ट्वेल्व, ट्वेल्व से ट्वेल्व कट जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा एम अपॉन ए निकल के आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। अब अगला यहाँ पर डायरी सॉरी अगला यहाँ पर परिभाषा क्या दे रखा है। अगला यहाँ पर परिभाषा है चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, इसको प्रूव कीजिए, पर डेफिनेशन बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता होती है, उसको चुंबकित करने की क्षमता को उस क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, इसे एच से डिनोट करते हैं। एच बराबर फार्मूला हो जाएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एच बराबर फार्मूला याद कर लो, यहीं पर गारंटी है आपको याद करा के जाऊंगा। एच बराबर बी बटे यू नॉट और माइनस का ई, क्या एच बराबर वी नॉट अपॉन सॉरी एच इजकस टू बी बटे यू नॉट और माइनस आई, है ना। एच बराबर वी बटे यू नॉट माइनस आई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, चुंबकीय चुंबकशीलता। अगला डेफिनेशन यहाँ पर क्या है माय डियर स्टूडेंट, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या होती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए साहब, चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबक क्षेत्र वी और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं, इसे यू से डिनोट करते हैं बच्चों, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू अगर मान लीजिए हम नॉट करते हैं तो यहाँ पर म्यू नॉट हो जाएगा। अब देखिए वी है ना, वो समानुपाती होता है एच के। अब समानुपाती सिंबल हटाओगे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट जुड़ जाएगा म्यू, तो म्यू बराबर हो जाएगा बी बटे एच। तो इस प्रकार से मैंने इसी से डेफिनेशन से यहाँ बना ली, इस प्रकार से यहाँ पर आप अच्छे से याद कर सकते हो। अगला डेफिनेशन से यहाँ क्या दे रखा है, चुंबकीय परिवर्ती। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता आई, कोई चुंबक क्षेत्र दे रखा है उसमें रखे गए पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता आई एवं चुंबकन तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकीय परिवर्ती कहते हैं, इसे ये सिंबल देख रहे होगा आप, इस प्रकार से बना हुआ है, इसको पढ़ते हैं काई, ये साइंस की भाषा होती है फिजिक्स में, इसको काई बोलते हैं, इसे काई से डिनोट करते हैं। अब मैंने लिख भी दिया है काई। देखिए साहब, इस प्रकार से आप कह सकते हो, कहने के मेरा तात्पर्य ये है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आई होता है वो समानुपाती होता है एच के, तो इस प्रकार से हो जाएगा जो आई है ना बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट जुड़ जाएगा, इसको काई बोलते हैं, काई इंटू एच। अब देखिए साहब, यहाँ पर काई की अगर हम वैल्यू निकालें तो आप बोलोगे आई बटे एच, तो यही हमारा डेफिनेशन बन के आ गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम बात करें एच बी और आई में संबंध, देखिए कभी कभी क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, संबंध भी इस लेसन से पूछ जाता है, बी एच और आई में क्या रिलेशंस होता है। हम लोगों ने अभी अभी आपसे डिस्कस किया था कि एच बराबर फार्मूला क्या होता है, मेडिटेशन एच बराबर वी अपॉन यू नॉट और माइनस आई।
देखिए साहब इसके बारे में कुछ नहीं, बनवा लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेट करने के पश्चात आप लोग पा जाओगे बी बराबर यू नॉट और इन टू में रहेगा एच प्लस आई। क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, बी बराबर यू नॉट एच प्लस आई, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक अभी हमने आपको फार्मूला बताया है कि जो काई इजिकल्स टू होता है बच्चों आई बटे एच होता है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप लोग, तो आप बोलोगे कि जो आई बराबर हो जाएगा काई इंटू एच, तो हम वो यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको समीकरण एक, आप इसको कुछ भी मानो मत, ये वाले वैल्यू है ना समीकरण एक में पुट कर दीजिए। अब जैसे आप इसमें समीकरण एक में पुट करोगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा जी, मैंने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पर आप क्या करोगे डिवाइडर, यहाँ पर एच को कॉमन कर लोगे, एच को कॉमन करोगे तो बी बराबर यू नॉट इंटू एच, यहाँ पर वन प्लस काई। तो यहाँ पर एक कंडीशन सीख लीजिए, अभी हमने आपको बी बराबर बताया था यू नॉट इंटू एच बराबर होता है वी के। देखिए साहब अब यहाँ पर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले हैं, देखिए साहब अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, तो यू इंटू एच बराबर यू नॉट इंटू एच, इससे ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा वन प्लस काई। तो देखिए साहब यू बटे यू नॉट बराबर वन प्लस काई, अब जो हमारा यू बटे यू नॉट है इसको बोलते हैं यू आर। अब जो बच्चों यू आर होता है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, यू आर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको बोलते हैं यू आर बराबर वन प्लस काई। तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा हमारे स्टूडेंट, जो यू आर होगा ना यू आर बराबर हमारे पास क्या रह जाएगा वन प्लस काई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, आगे यहाँ पर हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है माय डियर, कभी कभी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो ज्यों के त्यों आ जाते हैं, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने कोण को कहते हैं दिक्पात कोण कहते हैं, ये मैंने क्लास में सॉल्व कराया है, क्लास में ही बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए साहब अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे दिया है, उस स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है यदि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एच है तो संपूर्ण तीव्रता कितनी हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन था, हमको बता दें ये वी टेक का एग्जाम होता है, वी टेक के लिए एक संस्था है UPTU, उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था, देख सकते हो पेपर उठा के 2021 का, क्योंकि मैंने पेपर देखा था तो मुझे पता लगा हाँ ये क्वेश्चन वहाँ आया हुआ था UPTU एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, आप देख सकते हो कि वी बराबर फार्मूला होता है एच अपॉन कॉस थीटा, तो अब एच अपॉन कॉस थीटा की मैंने वैल्यू लगा दी यहाँ पर 30 का मतलब होता है एच अपॉन रूट थ्री, ये दो आपको ऊपर पहुँचा देगा 2H/√3, ये वाला ऑप्शन हो जाता है राइट 2H/√3, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला यहाँ पर दे रखा है हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका है, ये बच्चों मात्रक होता है चुंबकशीलता का, किसका होता है चुंबकशीलता का, हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है साहब आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्या दे रखा है जी भाई, कौन सा पदार्थ है जो वाह चुंबक क्षेत्र का विरोध करता है, देखिए साहब वाह चुंबक क्षेत्र का जो विरोध करता है वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, ये 19 में आया हुआ है। अब अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय इनके बारे में आपको विस्तार से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार 30% की कमी के अनुसार आपके सिलेबस से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, है ना, तो आपको अब ये नहीं पढ़ना है। एक आध ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है लेकिन इसकी फुल डिटेल नहीं आने वाली है, आपको मैं यही कंफर्म कर देता हूँ। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है साहब आगे बढ़ें, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, डोमेन किस पदार्थ के बने होते हैं। अब बच्चों यहाँ समझो आप डोमेन क्या होता है, हालांकि आपके सिलेबस से डोमेन हटा दिए गए हैं, आपको डोमेन नहीं पढ़ना है, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ के को ही डोमेन कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए, है ना।
फिर हटा दिया गया। लेकिन कभी कभी बच्चों ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं कि क्वेश्चंस कहाँ से रख दें। हालांकि उन्होंने अपना सिलेबस 30% कम कर दिया है, उसके अनुसार ही क्वेश्चंस आएंगे। फिर भी एक आध ऑब्जेक्टिव आपको मैं कहूँगा देखना चाहिए, है ना। हालांकि चुम्बकीय प्रतिचुम्बकीय आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, प्रतिचुम्बकीय, है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूं आपके लिए, रेगुलर क्लासेस लेकर आऊं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही जी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे, है ना साहब। और आप लोग चाहते हो कि इस क्लास का मुझे PDF मिले, ये क्वेश्चन मैंने आपको हैंड रिटन में कराया है, अगर आप लोग चाहते हो कि इन क्लास का आपको PDF मिल जाए, तो आपसे बोलूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू फिजिक्स का नहीं देखा है, मैंने अब तक जितनी भी फिजिक्स की वीडियो को अपलोड किया है, वहाँ से आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। उन सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सारी इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, है ना। और हमारा फेसबुक पेज है, आप हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ जाइए और उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे, है ना। इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि फेसबुक पेज को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आशा करते हैं आज के लिए बस इतना ही। Thanks for watching my video, my dear student and my friends.